साइन की थी और वो इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स था। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान बनाया गया था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या विजन था। और दुनिया में जो भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात करेगा, पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियों पर बात करेगा, वो पाकिस्तान के अवाम का दोस्त होगा और इसीलिए हम इसको वेलकम कहते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस नुक्ते को जरूर एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद, अदालती अहकाम के बावजूद, जो मिसिंग पर्सन्स के मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि एक और टेलीविजन, वेब टेलीविजन के भाई के किसी भाई को उठा लिया गया है। देखिए, ये जो कस्टोडियल टॉर्चर है, उठा के लोगों को लेके जाना, उन्हें बरहना करना, तशद्दुद करना, ये तो नाकाबले, आप समझिए कि एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर कोई आंखें बंद कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ही, आप पाकिस्तान को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से अगर लोग अगवा हो रहे हैं और उनके कोई हकूक नहीं हैं, तो फिर आप ये तो पाकिस्तान की रियासत की दुश्मनी कर रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं, तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और फिर जिस तरह से अदालती अहकाम की परवाह ही नहीं की जा रही, परवेज अलाई साहब के ऊपर जो है वो उनकी जमानत हुई हुई है और उनके घर के ऊपर आपने देखा किस तरीके से उनके घर के दरवाजे तोड़े गए, हसन नियाजी, अली अमीन गंडापुर, ये तमाम लोग वो हैं जिनकी अदालतों ने जमानतें ले ली और उसके बावजूद जो है उनको रिहा नहीं किया जा रहा। सो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। और ये सिलसिला अमूमी मुकदमात से शुरू होकर अब हाई प्रोफाइल केसेस तक, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो एक ऑब्जर्वेशन दी है वो बड़ी साइब ऑब्जर्वेशन है। उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत, और इसी तरह से तमाम जो अदालतें हैं उनके अहकाम जो हैं अगर अमल नहीं होता तो फिर तो आपका जुडिशल इदारा ख़त्म हो गया। आज परवेज अलाई साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने तोहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने फैसले इंप्लीमेंट भी कराएं। सिर्फ फैसला कर देना काफी नहीं है, फैसला अगर अमल दरामद ही उसके ऊपर नहीं होगा तो आपका इदारा, बहैसियत इदारा, आप जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए तमाम जज साहबान जो फैसला दें उसके ऊपर उन्हें अमल दरामद कराना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कल मरियम नवाज ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मज़ाहिर नकवी साहब को, जस्टिस एजाज़ुल्लहसन साहब को एक मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। और अभी आप अगर आप देखें तो नून लीग क्या कर रही है, वो इन तीन जज साहबान को खसूसी तौर पे टारगेट कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अभी एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन जजेस को खसूसी तौर के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर हैं। अब मसला क्या है, मरियम नवाज जो हैं वो क्यों इन जजेस को टारगेट कर रही है, नून लीग क्यों इन जजेस को टारगेट कर रही है, खसूसन चीफ जस्टिस को और दो जजेस को क्यों टारगेट कर रही है, उसकी वजह ये नहीं है कि मुल्क में इलेक्शंस का कोई मामला है उनके पास, उसकी वजह ये भी नहीं है कि वो कोई उनकी जात के हवाले से कोई इशू है। ये तमाम कैंपेन सिर्फ एक मकसद के तहत हो रही है और वो मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाज़ुल्लहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। वो 1100 अरब रुपए का फायदा जो शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने लिया है, जिसको हम कहते हैं कि NRO 2023 है, 2023 का NRO है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखते हैं मखसूस ऑडियोज आ रही हैं, वो एक ही मीडिया ग्रुप के लोगों के साथ बनके वो ऑडियोज आ जाती हैं और फिर उनको जो है वो फैलाया जाता है। और मरियम नवाज ऑन रिकॉर्ड है ये कहने के ऊपर कि उनके पास वीडियोज भी हैं, तो इसलिए हमें वीडियोज के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जजेस की वीडियोज भी वो
मरियम नवाज ला सकती हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, हसन नवाज की, हुसैन नवाज की एंड शहबाज शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अमेंडमेंट्स को कालेदम करार दे दिया और वो सारे मुकदमे बहाल हो गए जिनके जरिए 1100 अरब रुपया रियासत पाकिस्तान का इन तीन खानदानों में बांट दिया गया, उसके नतीजे में जो रिजीम चेंज का पूरे ऑपरेशन में इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता, इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है जिसके लिए ये हुकूमत में आए। इसीलिए मेन फोकस किया जा रहा है इन जज साहबान को। मैं इन जज साहबान को भी ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर इस वक्त आवाम देख रही है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपके पीछे खड़ा है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ वकला जो हुकूमती ग्रुप है उसको इस्तेमाल करके जो आपके ऊपर बातें की जा रही हैं उसको मुस्तरद किया है बार एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया है, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया है, लाहौर बार ने इसको मुस्तरद किया है, 96 बार एसोसिएशन जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो सुप्रीम कोर्ट के हक में रेजोल्यूशन कर चुकी हैं। उसके साथ पाकिस्तान के जो टॉप लॉयर्स थे जिन्होंने 50 लॉयर्स जो इकट्ठे हुए लाहौर में उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, वहां पे एलामिया जारी हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ इस मामले के ऊपर खड़ा होने का अयादा किया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और जजेस को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके पीछे खड़ा है और वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए और किसी ब्लैकमेलिंग में आए बगैर आजादाना फैसले जो हैं वो अपने करें। ये मामला जिस तरह लॉर्ड ह्यूज ने कहा था अमेरिका के चीफ जस्टिस ने कि जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे देगी तो उसको इंप्लीमेंट कराना पाकिस्तान अमेरिका के लोगों का काम है, इसी तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी, आप आईन और कानून के ऊपर खड़े होकर फैसला दें, इंप्लीमेंट कराना पाकिस्तान के लोगों का काम है। अगर पाकिस्तान के लोग अपने आईन की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर अपने हकूक की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इंप्लीमेंट नहीं करा सकते तो फिर हमें कौम कहलाने का हक ही हासिल नहीं, फिर तो हम एक फिर तो जैसे सूडान में, अफगानिस्तान में, इन मुल्कों में, पाकिस्तान में क्या फर्क है। हमारा आईन है जो 50 साल से एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है। अगर आपने वो कंसेंसस ही खत्म कर देना है, अगर आपने वो इत्तफाक राय खत्म कर देना है और पाकिस्तान के अंदर भी हमने कोई आईन और कानून को, पासदारी को, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना है तो फिर तो हम एक हजूम है और हजूम का तो कोई जो है वो हकूक नहीं है, और जो फिर तो आप एक जंगल हैं, जंगल में तो जो मर्जी कर ले, फिर तो आईन कानून खत्म हो गया। लिहाजा ये जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने आईन को बचाना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने फैसलों पे अमल दरामद कराना है, ये पाकिस्तान के लोगों का फर्ज है। और जिस तरह कल इमरान खान ने कहा है कि अगर आईन नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी, गलियां फैसला करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अगर सड़क और गली के ऊपर पाकिस्तान के लोग नहीं निकल सकते अपने हकूक की हिफाजत के लिए, अगर पाकिस्तान के आईन को खत्म कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लोग घरों में बैठे रहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लोग घरों में बैठे रहते हैं, फिर हमारा हक ही नहीं है कि हम किसी हकूक के लिए अपनी बात करें। और जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों को अपने हकूक के लिए खुद बाहर निकलना होगा, और इंशाल्लाह हमने एक साल से इस तहरीक को हर तरीके से लीड किया है और हम इस तहरीक को आगे भी लीड जो है वो करेंगे। मरियम नवाज की जो और आज भी जो इनकी जो तमाम कोशिशें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट से फलाना जज जो है वो बेंच से हट जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तो आधी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर रेफरेंसेज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जज जिनके ऊपर रेफरेंसेज हैं वो हट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो बंद हो जाएगी, और यही आप चाहते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, जो बेंच बनाना इख्तियार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वो अपने मुताबिक चलें, और पूरा पाकिस्तान उनको देख रहा है। मर्जी के बेंच बनवाने का शौक पुराना है, ये रफीक तारड़ के जमाने से बेंच बनवाना और फिर मलक कयूम के जमाने से बेंच बनवाना, इस हुकूमत के में शामिल जो शहबाज शरीफ हैं और कंपनी है उनका पुराना ये रवाज है कि वो बेंच बनवाते हैं और बातें करते हैं कि क्या होगा क्या हो गया। मैं देख रहा था कि शौकत सदीकी साहब की कल इंटरव्यू चला था, मेरा जाती तौर पे वैसे शौकत सदीकी साहब के लिए एहतराम है इसलिए मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन इशू ये है
कि शौकत सदीकी साहब तो जो पैनामा की बात कर रहे थे, पैनामा की एविडेंस जो है वो तो आपके सामने लंदन में खड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की बिल्डिंगें हैं वही पैनामा है ना, और क्या पैनामा है। नवाज शरीफ उसी में उनको सजा हुई हुई है पैनामा में। तो जो आजकल हो रहा है और वो जो जजेस के साथ और फिक्सेशन में हो रही है और जिस तरीके से यहाँ पे दबाव डाला जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो तो कुछ भी नहीं है जो जो वो बात कर रहे थे। बहरहाल लेकिन एक माफिया जो है उससे इस वक्त मेरा ख्याल है जुडिशरी एक बाकायदा माफिया से उनका मुकाबला है। ये जो हमने देखा था कि जो ये ड्रग लॉर्ड्स होते थे बाहर क्यूबा में, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में, वो तो सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को उन्होंने बम भी मार दिए थे। ये भी बम भी मारना चाहते हैं वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ तकल्लुफ कर रहे हैं कि इधर उधर से कभी कोई लॉयर लीडर ले आते हैं, वो कह देता है ये कर दें वो कर दें। इनकी कोई हुकूमत के जो पे रोल के ऊपर वकला है उनकी कोई आवाज़ की कोई हैसियत नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को उनकी जो है वो सुननी चाहिए। कल मरियम नवाज ने एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया, उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो हैं वो फाइलों पर दस्तखत करवाने के पैसे ले रही थी। अब जो भी आदमी पाकिस्तान में या जो भी तरीके इंसाफ का है उसको मालूम है कि जो खान साहब की अहलियाँ हैं उनको कभी किसने देखा भी नहीं होगा। वो कभी 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 सवाए पनागाहों के दौरों के लिए या जो गरीब तरीन लोग जिनके ऊपर इतना एक्सेस नहीं होता या ध्यान नहीं जाता, सवाए वहां जाने के कभी उन्होंने कोई सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लिया, कभी उन्होंने कभी किसी से कोई बात ही नहीं की है और उनके ऊपर मरियम नवाज मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। इसलिए हमने फैसला किया है, बुशरा बेगम ने यह फैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज को भेजा जा रहा है जिसमें उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं फौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड के तहत, क्योंकि यहाँ पे जो हरजाने वगैरह है वो तो ख़त्म, वो तो आ ही नहीं रहा, लिहाजा रेपुटेशन को डैमेज करने के ऊपर उनके ऊपर जो है वो क्रिमिनल केस करने का फैसला किया है। और ये बुशरा बीबी की तरफ से ये नोटिस जो है वो मरियम नवाज को आज भेजा जा रहा है। उसके साथ मैं ये भी कल भी एक जाली खबर चलाई गई, कहा गया कि जो इमरान खान के दौरे हैं उनके ऊपर जो है वो पैसे जो हैं वो बड़े ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च हो गए हैं। ये उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा जो खान साहब के दौरों का डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं उसके ऊपर भी मैंने आना है क्योंकि ताकि उसकी भी हमें बता दें, क्योंकि इमरान खान के दौरों के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम खर्च हुआ और वो भी डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपके सामने ही रखना चाहता हूं कि जहां पे क्या खर्च हुआ ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। इन द मीन टाइम वो डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रखूंगा, इन द मीन टाइम आ जाइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ। पाकिस्तान में यूं लगता है कि अवाम की तोहीन नहीं होती बाकी हर जगह हर शख्स की तोहीन हो जाती है और स्पेशली हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो तोहीन के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव हैं और बड़ी उनको दुख होता है कि उनकी तोहीन कैसे की जाए। देखिए, इज्जत ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, डंडे के ऊपर इज्जत नहीं कराई जा सकती। इज्जत कराने के लिए आपको अपना कंडक्ट बेहतर करना पड़ता है, अपने काम बेहतर करने पड़ते हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब से इस ओहदे के ऊपर बैठे हैं उन्होंने अपने कंडक्ट से अपने ओहदे का वकार कम किया है, अपने इदारे को उन्होंने ख़त्म ही करके रख दिया है और जो उनकी एक एफिलिएशंस हैं जिसके ऊपर वो बार बार प्राउडली कहते हैं कि उनकी एफिलिएशंस हैं उसमें भी उन्होंने उनकी भी इज्जत में इजाफा नहीं किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर आज वोट के हक से महरूम है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है। 1 करोड़ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है आज वोट के हक से महरूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये की वजह से। आज पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शंस के राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात है और अब जो उन्हीं के महकमे के लोगों के जरिए जो चीज़ें अब बाहर आई हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। और आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जो उनकी ज़ात के ऊपर चीज़ें हैं वो क्या आई हैं। इससे पहले जाहिर है कि आप देखें कि उनका रवैया, चाहे वो निगरान हुकूमतों के क़याम की बात हो, चाहे वो आपकी जो इलेक्शंस के अंदर जो मशीन
के जरिए वोटिंग की बात हो, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का मामला हो, चाहे फंडिंग केस का मामले हो। आप देखिए पीटीआई का फंडिंग केस आया, उसके ऊपर एडजुडिकेशन हो गई, वो अदालतों से उड़ भी गया। पीपल्स पार्टी और नून के केस की फंडिंग केस किधर है, वो क्यों नहीं आ रहे? आप जाते हैं वहां पे, वो कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस लोगों को याद भी नहीं रह गए कि वो किधर चले गए। ये तो तमाशा लगा हुआ है कि सिर्फ तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर जो है वो केसेस चलाने हैं। हमारे इस्तीफों के ऊपर जिस तरीके से जो है वो इन्होंने कंडक्ट उनका किया, सेनेट इलेक्शन के दरमियान अंदर जमीर फरोशी की हौसला अफजाई का मामला हो, रेजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान सिंध असेंबली में, सिंध हाउस में जो मंडियां लगी उस पर खामोशी का मामला हो, इलेक्शन कमिश्नर ने तय किया कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई, और मैं हैरान हो जाता हूं 70-72 उनकी उम्र है, कितना अरसा बंदे ने जिंदा रह जाना होता है, कोई अपनी लेगेसी का ध्यान करता है? कोई बंदा जब सोचता है कि जब मैं जाऊंगा तो पीछे क्या छोड़ के जाऊंगा, अपनी औलाद के लिए, कोई अपने खानदान के लिए कोई चीज तो फख्र की छोड़ के बंदा जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये अभी तक उन्हीं कामों में जो है वो लगे हुए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया। देखें, पहली बात कि आर्टिकल 221 के तहत जो इलेक्शन में, जो इलेक्शन कमीशन में जो तैनातियां है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का था, यानी 5 मेंबरान ने ये तकर्रियां करनी थी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद अपने पास ले लिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी उसकी जो है वो कोई उन्होंने उसकी नहीं बनाई, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो नहीं किया गया। अकाउंट्स ग्रुप के रिटायर्ड अफसर हैं मंजूर अख्तर मलिक साहब, वो रेलवे सेक्रेटरी थे जब ये, तो उस वक्त भी उनके साथ थे। उनको एडिशनल सेक्रेटरी एडमन तैनात किया गया और कोई इश्तिहार भी इस जमन में नहीं दिया गया। खालिद सदीकी नाम के एक शख्स को ग्रेड 20 में ADHR तैनात किया गया और उसकी तसद्दी के लिए भी जो है वो कोई इश्तिहार और उसकी तकर्री कॉन्ट्रैक्ट पे कर दी गई। कोई उसका, वो भी सिर्फ ये है कि उसकी कराबतदारी है, उनकी दोस्ती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो साहब भी अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो मंजूर अख्तर मलिक साहब हैं, इनके रिश्तेदार हैं और रेलवे से असिस्टेंट रिटायर हुए हैं मलक महबूब अली, इनको डिप्टी डायरेक्टर बजट में 18वें ग्रेड में तैनात कर दिया गया। 18वें ग्रेड की नौकरी दे दी है, कोई नौकरी नहीं, यही कोई पॉलिटिशियन किसी ने दी होती अब तक वो नैब के चक्कर लगा रहा होता और सारी चीजें जो है वो कर उसका हो गया होता। खुरम शहजाद नामी एक शख्स जो है वो भी यहां पे लीगल कंसल्टेंट था जब वो रेलवे में थे, उनको 20वें ग्रेड में एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ तैनात कर दिया गया। और अब खुरम शहजाद का पहले ऐड दिया गया था, वो पूरा नहीं होता, फिर खुरम शहजाद से लेके एक बाकायदा उसको एक फोटोकॉपी बना के कि खुरम शहजाद ने ही लगना है, वो इश्तिहार जो है वो छापा गया। इसी तरह से डीजी लॉ की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया है। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस भी एक रिटायर्ड अफसर है, उसको भी इसी तरीके से जो है वो लगा दिया गया। डीजी डेवलपमेंट को भी बगैर किसी इश्तिहार के कॉन्ट्रैक्ट पे कमीशन में जो है वो भर्ती जो है वो किया गया। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तश्कील दिया गया है जो इस वक्त लाखों रुपया तनख्वाहें जो है वो ले रहा है और उसके लिए भी कोई तरीकाकार जो है वो नहीं बनाया गया। इसके साथ एडिशनल सेक्रेटरी एडमन जो बुनियादी तौर पे AGPR का था और उसको जो है वो डेपुटेशन पर इलेक्शन कमीशन में तैनात जो है वो ले आए ताकि उनके जो है वो बड़ा उसको ओहदा दिया जा सके। 2021 में ग्रेड 17 के इलेक्शन ऑफिसर्स की भर्तियां हुई, 63 से 75 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। सिलेक्शन के दौरान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी मैंने पैनल में बैठना है, वो पैनल में बैठ गए और सारे लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से अपने कर लिए और सरगोधा से भी इन्होंने जहां से वो हैं वहां से लोग जो हैं वो वहां पर भर्ती हो गए। अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके बेटे को भी मुलाजमत जो है वो वहां यहां पर दिलवा दी। वो उस वक्त CDA में छोटे ग्रेड के ऊपर था, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन में ले आए, उसको बड़े अहदे के ऊपर दिलवा दी। एक खातून ऑफिसर हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ काम कर चुकी थी, उनको 19वें ग्रेड में वो उनको डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस लगा दिया गया है। अब ग्रेड 20 का एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन का ऑफिस भी उनको सौंप दिया गया है। ग्रेड 17 के 3 अफसरान को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुपरसीड कर दिया कि वो उनकी हमें शक्लें पसंद नहीं है। इसके साथ मोहम्मद सदीक नाम के एक अफसर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हटाकर रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया और फिर उसे फौरन उठा के भक्कर भेज दिया और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जिले कोस्तान में पहुंचा दिया
कि और वहां कोस्तान में तकरीरी के ऑर्डर्स मिले, उसको दिल का दौरा पड़ा, वो बेचारा वहीं पे उसकी डेथ हो गई। इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चल रहा है। फकीर मोहम्मद जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन लकी मरवत थे, इसे बलूचिस्तान के जिला वशोक में जो है वो फेंक दिया गया। इसके साथ इंजबाती कार्रवाइयों के ऊपर भी जो है, जो लोगों की वहां पे है हालात वो बड़े ज्यादा बुरे हैं, सारे लोग जो है वो वहां पे इलेक्शन कमीशन में जो इस वक्त कोई तुक्की नहीं बनती थी कि इन्होंने 6 करोड़ रुपए की लागत से एक नया इलेक्शन कमीशन साहब ने अपना दफ्तर बनाया। एक तरफ हमारे पास कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, पहले इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इश्तहार दे दिया अपने घर बनवाने के लिए और फिर 6 करोड़ रुपए का अपना दफ्तर बनवा दिया इलेक्शन कमीशन में। एक तरफ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, कुछ करने को नहीं है, दूसरी तरफ आप ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं जैसे बाप का माल है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। फिर जिला सरगोधा में इन्होंने 4 कनाल जमीन खरीदी 32 करोड़ रुपए की और कहा गया कि जनाब ये वहां पे जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है वो बना रहे हैं, 32 करोड़ की तो खाली जमीन है, उसके ऊपर आप अंदाजा लगा लें कि वो सरगोधा में इतना बड़ा ऑफिस जो है इलेक्शन कमीशन का, उसकी तो कोई समझ ही नहीं आती कि क्या तुक है। इसी तरह से जो रिजल्ट मैनेजमेंट के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो सॉफ्टवेयर की तैयारी की गर्ज से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है और वो प्रोजेक्ट का पता ही नहीं है कि किधर है और अब 12 करोड़ रुपया उस फर्म को लहदा दे दिया गया है। अच्छा, अब ये इससे पहले भी हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया हुआ है इजाज चौधरी साहब ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नया रेफरेंस कल तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेज रही है और जिसमें हम चीफ जस्टिस साहब से ये इस्तदा करना चाहते हैं कि सर देखिए इस तरह से इस वक्त जो आपके अहकाम को अगर डिफीट हो रही है तो इलेक्शन कमीशन की वजह से, इलेक्शन कमिश्नर की वजह से हो रही है। ये कोई तरीका नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पॉलिटिकल पार्टी का क्रोनी बन के वो जो है वो प्ले अराउंड करे और पूरे पाकिस्तान को एक जो है वो आपने एक बना दिया है कि जैसे हमें लग रहा है कि हमें कोई हम कोई दहशतगर्दों के रहमो करम के ऊपर चले गए हुए हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव दहशतगर्दी हो रही है, जहां पे लोगों को इस तरह से उठा उठा के ले जाया जा रहा है, पॉलिटिकल राइट से महरूम किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन हुकूमत की इस साजिश में कि लोगों को वोट के हक से महरूम किया जाए मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल है, लिहाजा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू नहीं कर सकते और इसलिए इनको इनके ओहदे से बर्तरफ किया जाए और ये इंशाल्लाह और केस और इसको जल्दी चलाना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा पहला रेफरेंस भी जो है यहां पे पड़ा हुआ है उस रेफरेंस के ऊपर भी बात नहीं हुई है और इसके ऊपर भी जो है वो बात जो है वो नहीं हो रही। अब मैं सिर्फ आना चाहता हूं ये जो इमरान खान साहब के दौरों के ऊपर जो बात की गई, इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एक सादगी की और जो मामलात हैं जो बाकी मामलात थे उनकी एक ऐसी रवायत कायम की जो उनके बाद ना पहले कभी किसी ने की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक शफाफ हुकूमत दी। आज आप देखिए कि इनको क्यों ब्लास्फेमी लॉज के सहारा लेना पड़ रहा है। आज इमरान खान साहब के ऊपर जो 121 केसेस हैं उनमें एक केस नहीं है मालियाती बदनवानी का। ये पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ और इमरान खान एक इसके ऊपर फख्र कर सकते हैं, पूरी काबीना के ऊपर एक रुपए का केस नहीं है मालियाती बदनवानी का। तमाम लोगों के ऊपर क्या केसेस हैं, एंटी टेररिज्म के, किसी एंटी टेररिज्म के ब्लास्मी के केस कर दो, एंटी टेररिज्म के केस कर दो। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि फख्र है पीटीआई को इमरान खान के ऊपर और अपनी लीडरशिप के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने हुकूमत की है 75 साल में। इससे क्लीन गवर्नमेंट पाकिस्तान में ना कभी आई और अब भी उसके बाद भी जो है ये जो हालात है उसमें कोई इसका तसव्वुर नहीं मिलता। इमरान खान के दौरे से पहले नवाज शरीफ साहब 4 अरब 31 करोड़ रुपया, आसिफ जरदारी 3 अरब 16 करोड़ रुपया, शहबाज शरीफ 8 अरब 72 करोड़ रुपया, शाहिद ककान अब्बासी 35 करोड़, यूसुफ रजा गिलानी 24 करोड़, राजा परवेज अशरफ 3 करोड़, ममनून हुसैन 3 करोड़, 17 अरब 13 करोड़ के इन्होंने जो है वो सिर्फ दौरे किए थे। आसिफ जरदारी के दौरे के ऊपर 1 अरब 42 करोड़, नवाज शरीफ के ऊपर 1 अरब 83 करोड़, शाहिद ककान के ऊपर 25 करोड़ रुपया जो है वो खर्च जो है वो आया था। ये अभी हम आपको ये फिगर सारी जो है वो मैं जारी कर दूंगा। इमरान खान के
इमरान खान के जो दौरे हैं उनकी, अब ये मैंने आपको उनके दौरों की तफसील बनाई बताई है जो कोई भी अरब रुपए से कम का नहीं। इमरान खान के अमरीका के दौरे के ऊपर 1,77,000 रुपये खर्च आया, अफगानिस्तान के दौरे के ऊपर 14,40,000 रुपये खर्च आया, स्विट्जरलैंड के दौरों के ऊपर जो दो थे 1,02,00,000 रुपये खर्च हुए और चीन के दौरे के ऊपर 9,00,000 रुपये खर्च हुए। टोटल इमरान खान के दौरों के ऊपर 17 करोड़ रुपये खर्च हुए और नवाज शरीफ के दौरे के ऊपर 4,31,00,000 रुपया, आसफ जरदारी के ऊपर 3,16,00,000 रुपया और शहबाज शरीफ के ऊपर 8,72,00,000 रुपया खर्च हुआ। जस्ट अ कंपैरिजन मैं आपको दे रहा हूं, इमरान खान के मजमूई दौरों के ऊपर 17,60,00,000 रुपये खर्च हुए और नवाज शरीफ के दौरे के ऊपर 4,31,00,000, आसफ जरदारी के दौरे के ऊपर 3,16,00,000, शहबाज शरीफ के दौरों के ऊपर 8,72,00,000 रुपये खर्च हुए। और आपको मालूम है कि 2 अरब रुपया शहबाज शरीफ साहब अभी एक साल में दोबारा खर्च कर चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरों की तफसीलात देने से इनकार कर दिया हुकूमत ने कौमी असम्बली में। मतलब इससे बड़ा कोई मजाक होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के ऊपर जो है वो निकले हुए हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसे ऐसे मुल्क भी देख लिए हैं जिनके स्पेलिंग भी उनको नहीं आते होंगे और जब देखें वो जहाज में बैठे हुए हैं, वो रवाना हुए हैं, कोई समझ नहीं आती क्यों जा रहे हैं, उधर क्या हो रहा है और वहां पे जाके हमें तो पता भी नहीं उन्होंने क्या किया है, क्योंकि हम उनके दौरों के कोई हमें तो नहीं पता कि कोई आउटकम क्या निकला हो। अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात तबाह हो गए हैं, सऊदी अरेबिया UAE जो है उनके साथ ताल्लुकात आपके सामने हैं, चाइना से आपके ताल्लुकात आपके सामने हैं। एक तरफ सफारती तन्हाई है, दूसरी तरफ बजट जो है वो इनका इतना बढ़ गया है। बहरहाल इंशाल्लाह ये पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी देखें, बात यह है, पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि जो मुज़ाकरात की जहां तक बात है, नून लीग की इंटरनल सियासत जो है वो मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा रही है। जो मरियम नवाज का एक ग्रुप है उसके साथ ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल हैं, जावेद लतीफ़ वगैरह हैं, ये नुकसान पहुंचाने के लिए इसहाक डार को, साद रफीक को, आज़म नज़ीर तारड़ को अहमकाना बयान दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे ना बढ़े। जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उन्होंने कोशिश की है कि मामला जो है वो आगे बढ़े और मेरा ये ख्याल है कि अब देखते हैं कि नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किधर जाती है और ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। नहीं, मुज़ाकरात आज का दिन आखिरी दिन है, इसके बाद नहीं होगा। हम तो तायुन वक्त का नहीं कर सकते लेकिन आइन ने तायुन किया हुआ। मसला यह है कि आइन के मुताबिक आप इंतखाबात को आगे 14 मई से आगे पंजाब के इलेक्शंस नहीं हो सकते और अगर आप 14 मई से आगे लेके जाना चाहते हैं उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए और जब तक सियासी जो आखिरी में भी चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था कि अगर आप आपस में बातचीत करके कोई हल निकाल सकते हैं तो फिर जाहिर है कि आपको आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। आइन मौजूदा आइन के होते हुए तो आप 14 मई से आगे नहीं जा सकते। मैंने आपको अर्ज किया कि अगर आइन खत्म होता है और इलेक्शंस का राइट ले लिया जाता है पाकिस्तान के लोगों का
पाकिस्तान के लोगों का फिर सड़क फैसला करेगी कि हम अपने हकूक ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम तहरीक नहीं चला सकते, पाकिस्तान के लोग घरों में बैठे रहेंगे, तहरीक नहीं चलेगी। अगर आपने अपने हकूक मांगने से मिलते हैं, घरों में बैठे रहने से तो नहीं मिलते। तो इंशाल्लाह हम लीड करेंगे, और जिस तरह से अवाम ने इसको हमेशा सपोर्ट किया आप देखेंगे अवाम सपोर्ट करें। जी मज़ बन सकती है बात, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अभी देखते हैं कि नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किस तरह से प्ले अप करते हैं। नहीं अभी देखते हैं ना, हमें तो 14 मई से आगे कबूल नहीं।